हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला हमने रूल करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इसमें क्या, इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन एंड ऑफ द पेरेंट चेन गिव द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट इज प्रेफर्ड फॉर नंबरिंग। मतलब जब हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने नेमिंग इस अकॉर्डिंग करनी है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। जैसे हमारे पास ये चेन दी है CH3CH, ये वाली चेन है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कौन सा नंबर मिलता है, 2 3 और 5। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारा नंबर आ जाता है 2 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सेक्टर 2 3 5 वो करेक्ट है, 2 4 5 करेक्ट नहीं है। इसमें क्यों है कि फर्स्ट सेट, अगर फर्स्ट अक्षर सेम है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर जो अगला लेटर है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इनमें से स्मॉल कौन सा है, 3। तो जहां पे फर्स्ट डिफरेंस कम होगा तो वहां पे वो वाली चेन हमको क्या मानेंगे, एज ए प्रेफर मानी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से प्रेफर कौन सी होगी आपकी, ये वाला जो चेन है वो क्या होगी, प्रेफर होगी। उसी तरह अगर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, जहां पे देखो इतनी बड़ी चेन है, यहाँ पे हमने जो नंबरिंग की है वो 2 7 और 8 पे है। अगर हम यहाँ से नेमिंग करते हैं, यहाँ पे है 3 4 और 9, तो यहाँ पे इन दोनों में से सेट कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। अगर यहाँ से नेमिंग शुरू करते हैं तो 2 लोएस्ट नंबर है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से नेमिंग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, जो ये वाली अगर हम करेक्ट करते हैं तो ये गलत है। तो आपने जब भी नंबरिंग करनी है तो देखना है कि जो भी आपके साइड ग्रुप है उनको लोएस्ट नंबर मिले, तो आपकी जो चेन है वही क्या है, सही है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेमिंग करनी है। मैंने कल जो वीडियो भेजी थी उसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा के भेजे थे। ठीक है, अब हमने ऐसी नेमिंग करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साइड चेन भी प्रेजेंट है। तो अगर सारी चीजें प्रेजेंट है तो हमने उनकी नेमिंग किस अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, इफ तो सबसे पहले हमने किसको प्रेफर करना है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को और उसके बाद साइड चेन को। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, तो जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, तो यहां से हमने नेमिंग क्या करनी है, शुरू करनी है। मतलब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको हमने लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4, ठीक है, कितने कार्बन हो गए, 4। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, ब्यूट। अब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या, डबल बॉन्ड है, तो 2 ईन, और 1 पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप लग गया, 1 ओल। ठीक है, तो इस तरह हमने इसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। ओके, अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3CH2, इसमें अब क्या लगा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक साइड ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 चीजें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो जाए। तो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें क्या, सेकंड पर, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, तो सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल, कितने टोटल कार्बन हो गए, 6 6 के लिए वर्ड क्या लगा दिया, हेक्स। अब थर्ड नंबर पे क्या लगे हमारे पास, डबल बॉन्ड, तो 3 ईन, और फर्स्ट नंबर पे क्या हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगे, एल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल। तो इसमें क्या आ गया, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल हेक्स 3 ईन 1 एल। ठीक है, तो इस तरह हमने इसकी क्या करनी है, नेमिंग। अब साथ हमें हमारे आ जाता है कि अगर हमारे पास रूल फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, अगर हमने एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो उस कंपाउंड की नेमिंग हमने कैसे करनी है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने कंपाउंड की नेमिंग करनी है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के चलना है, और दूसरे को हमने क्या मान के चलना है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे किस फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रेफर करना है, तो उसका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड अनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, ईथर। ठीक है, तो इसके मतलब अगर हमारे पास सपोज करो एक फंक्शनल ग्रुप में जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों दिए हैं, ठीक है, तो हमने किस में प्रेफर करना है, तो हमें हमारे पास ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करेंगे, और उसके बाद किसको प्रेफर करेंगे, अल्कोहल को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए पेरेंट फंक्शन सफिक्स के तौर पर लिखा जाएगा, और जो अल्कोहल है वो किसके तौर पर लिखा जाएगा, एज ए प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाएगा।
ठीक है। जैसे अगर हमारे पास अल्कोहल है वो है, तो उसको क्या नाम देना है प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी का क्या देना है नाम देना है, ठीक है। जैसे अब इसका नाम देखो 1, 2, 3, 4, 5 चौथे नंबर पे है ये एज ए प्रीफिक्स के तौर पे है, तो 4-hydroxy, टोटल कितने कार्बन है 5, 5 के लिए क्या लगेगा पेंट, पेंट उसके बाद इनमें में सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या लग गया एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या ओइक एसिड, तो हमने पीछे क्या लगा दिया ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया 4-hydroxypentanoic एसिड, ठीक है। उसी तरह हमारे पास अगर और कंपाउंड है, जैसे हमारे पास CH3COOCH2CH2C कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है और ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इन दोनों में से प्रिंसिपल कौन किसको मानना है, देखो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रिंसिपल है और कीटोन की है सेकेंडरी है, ठीक है। तो कीटोन का हमने जो या तो उसको क्या लिखना है ऑक्सो या फिर कीटो। अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सो है वो हमारी कौन सी पोजीशन पे लगा है फोर्थ पे, तो हम लिखेंगे 4-oxo, टोटल कितने कार्बन है 5, 5 के क्या लिखेंगे पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा प्रिंसिपल ग्रुप है, इसके लिए क्या लिखेंगे ओइक एसिड, इसका क्या नाम आ गया 4-oxo-pentanoic एसिड, ओके।